अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी रखी गई है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, इस आयोजन को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। साथ ही राम नगरी आने वाले पर्यटकों की सुविधा को लेकर भी सरकार कई नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देश विदेश से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता नहीं भटकना पड़े, जिसे लेकर नगर निगम ने अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुभाषी साइन बोर्ड लगाए हैं। इन साइन बोर्ड में भारतीय भाषाओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं भी शामिल हैं। इन साइन बोर्ड को लगाने का मकसद अयोध्या आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को इधर उधर भटकने से रोकना और बिना किसी की मदद से अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करना है। देखिए, हम लोगों का ये प्रयास है कि अब अयोध्या में पूरे दुनिया से लोग आएंगे, पूरे विश्व से लोग आएंगे, तो इवन की जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उन भाषाओं में और भारत सरकार के हमारे संविधान की अनुसूची में जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में साइनेजेस यहां पर लगाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी रखी गई है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, इस आयोजन को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। साथ ही राम नगरी आने वाले पर्यटकों की सुविधा को लेकर भी सरकार कई नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देश विदेश से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता नहीं भटकना पड़े, जिसे लेकर नगर निगम ने अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुभाषी साइन बोर्ड लगाए हैं। इन साइन बोर्ड में भारतीय भाषाओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं भी शामिल हैं। इन साइन बोर्ड को लगाने का मकसद अयोध्या आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को इधर उधर भटकने से रोकना और बिना किसी की मदद से अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करना है। देखिए, हम लोगों का ये प्रयास है कि अब अयोध्या में पूरे दुनिया से लोग आएंगे, पूरे विश्व से लोग आएंगे, तो इवन की जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उन भाषाओं में और भारत सरकार के हमारे संविधान की अनुसूची में जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में साइनेजेस यहां पर लगाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी रखी गई है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, इस आयोजन को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। साथ ही राम नगरी आने वाले पर्यटकों की सुविधा को लेकर भी सरकार कई नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देश विदेश से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता नहीं भटकना पड़े, जिसे लेकर नगर निगम ने अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुभाषी साइन बोर्ड लगाए हैं। इन साइन बोर्ड में भारतीय भाषाओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं भी शामिल हैं। इन साइन बोर्ड को लगाने का मकसद अयोध्या आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को इधर उधर भटकने से रोकना और बिना किसी की मदद से अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करना है। देखिए, हम लोगों का ये प्रयास है कि अब अयोध्या में पूरे दुनिया से लोग आएंगे, पूरे विश्व से लोग आएंगे, तो इवन की जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उन भाषाओं में और भारत सरकार के हमारे संविधान की अनुसूची में जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में साइनेजेस यहां पर लगाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी रखी गई है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, इस आयोजन को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। साथ ही राम नगरी आने वाले पर्यटकों की सुविधा को लेकर भी सरकार कई नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देश विदेश से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता नहीं भटकना पड़े, जिसे लेकर नगर निगम ने अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुभाषी साइन बोर्ड लगाए हैं। इन साइन बोर्ड में भारतीय भाषाओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं भी शामिल हैं। इन साइन बोर्ड को लगाने का मकसद अयोध्या आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को इधर उधर भटकने से रोकना और बिना किसी की मदद से अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करना है। देखिए, हम लोगों का ये प्रयास है कि अब अयोध्या में पूरे दुनिया से लोग आएंगे, पूरे विश्व से लोग आएंगे, तो इवन की जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उन भाषाओं में और भारत सरकार के हमारे संविधान की अनुसूची में जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में साइनेजेस यहां पर लगाए गए हैं। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।